हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। चलिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का ये मेरा क्लास है 20वां क्लास है और हम पर टॉपिक पढ़ रहे थे गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय। और हमारे भारतीय गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड वेलेजली, और इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 1798 से 1705 तक इसने सहायक संधि का स्थापना किया। सहायक संधि की स्थापना किया इसने। ये सहायक संधि इससे भी पहले, लॉर्ड वेलेजली से पहले भी फ्रांसीसी डुप्ले ने इस सहायक संधि का उपयोग किया था। ये फ्रांसीसी व्यक्ति डुप्ले ने किया था। और इसने संधि कहाँ कहाँ पर किया? हैदराबाद में 1798 में, सिंधिया में 1804 में, बरार एवं भोसले में दिसंबर 1803 में ये संधि किया, सहायक संधि। और पेशवा में दिसंबर 1802 में, अवध में 1801 में, तंजौर में अक्टूबर 1799 में ये सहायक संधि किया, और मैसूर में 1799 में किया। और अन्य इसके अलावा और भी स्टेट जैसे जोधपुर, भरतपुर, मच्छेरी, जयपुर, बूंदी, ये सभी के सभी में ये संधि, सहायक संधि किया वेलेजली, वेलेजली ने। और केवल इंदौर के हुआ करता था उस समय में शासक होलकरो, होलकरो ने इस सहायक संधि को एक्सेप्ट नहीं किया, इस सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, केवल हमारे भारत के इंदौर के होलकरो ने। और अगला काम 1799 में इसी के शासनकाल में टीपू सुल्तान चौथा आंगल मैसूर युद्ध के तहत, चौथा आंगल मैसूर युद्ध के तहत टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गया, चौथा आंगल युद्ध के तहत। और लॉर्ड वेलेजली ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा करते थे, अपने आप को बंगाल का शेर कहा करते थे। और 1805 में फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत का, सॉरी, बंगाल का गवर्नर जनरल बनने ही वाला था कि इसका डेथ हो गया 1805 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। इसके बाद हमारे भारत में, बंगाल में अगला गवर्नर जनरल बनकर आया सर जॉर्ज बार्लो, जो 1805 से 1807 तक रहा। और 1806 में इसने फर्स्ट 1806 में इसी के शासनकाल में फर्स्ट सैनिक विद्रोह हुआ, जो हुआ कहां पर? तमिलनाडु के वेल्लोर में, तमिलनाडु के वेल्लोर में हुआ। इसके शासनकाल में एक ही घटना घटित हुआ। किसके शासनकाल में? सर जॉर्ज बार्लो के शासनकाल में। इसके बाद अगला गवर्नर जनरल बनकर आया बंगाल में लॉर्ड मिंटो फर्स्ट या लॉर्ड मिंटो प्रथम, 1807 से 1813 तक। और इसी के शासनकाल में 1809 में अमृतसर की संधि हुआ, किसके किसके बीच? लॉर्ड मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह के बीच, लॉर्ड मिंटो और महाराजा रणजीत सिंह के बीच। और महाराजा रणजीत सिंह के उस समय में एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी लाहौर हुआ करता था और रिलीजियस राजधानी अमृतसर हुआ करता था। और इसी अमृतसर में संधि हुआ था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के तहत। और ये निर्णय लिया गया था, ये तय हुआ था इस संधि के तहत, अमृतसर के संधि के तहत, कि पंजाब के सतलज नदी का जो नॉर्थ भाग है, पंजाब के सतलज नदी का जो नॉर्थ भाग है उस पर अधिकार होगा महाराजा रणजीत सिंह का, और सतलज नदी के जो दक्षिण वाले भाग है, पंजाब के दक्षिण वाले भाग है, उस पर अधिकार होगा ब्रिटिशर्स या अंग्रेजों का। और इस संधि से पहले ये अधिकार पूरा का पूरा किसका हुआ करता था? अंग्रेजों का हुआ करता था। और इस संधि के तहत
और महाराजा रणजीत सिंह का भी अधिकार हुआ इस पंजाब के सतलज नदी पर। और इसी के शासनकाल में 1813 में चार्टर एक्ट, अगला चार्टर एक्ट अधिनियम पारित होकर आया, और इसके तहत दो काम हुआ, ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन हुआ, और किस लिए आगमन हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। इसी एक्ट के तहत उसको खुला छूट मिला, परमिशन मिला इसी एक्ट के तहत। और अगला, इसी एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा का विकास के लिए सालाना 1,00,000 रुपये आवंटित करने का प्रावधान किया गया। भारतीय शिक्षा विकास के लिए सालाना 1,00,000 रुपये आवंटित करने का प्रावधान किया गया इसी चार्टर एक्ट के तहत। और तीसरा, चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार है, ट्रेड विथ टी और ट्रेड विथ चाइना को छोड़कर ईस्ट इंडियन कंपनी के सारे अधिकार को खत्म कर दिया गया इस चार्टर एक्ट के तहत। सभी अधिकार को खत्म कर दिया, केवल दो अधिकारों को छोड़कर। इसके बाद अगला, गवर्नर जनरल बनकर आया बंगाल में लॉर्ड हेस्टिंग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम पढ़ते हैं। चलिए, इसका रहा 1813 से 1823 तक, और इसी के समय में आंगल नेपाल युद्ध हुआ, और ये युद्ध 1814 से 1816 तक चला, और इसमें ये युद्ध हुआ था किसके बीच, नेपाल के अमर सिंह थापा और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें नेपाल के अमर सिंह थापा ने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। और अगला काम, मार्च 1816 में अंग्रेज और गोरखों के बीच संगोली की संधि हुआ, और इसी संधि के तहत इस युद्ध का अंत हुआ। ये जो युद्ध था आंगल नेपाल युद्ध, इस युद्ध का अंत हुआ संगोली के संधि के तहत। और पिंडारियों का दमन हुआ इसी के शासनकाल में, और पिंडारियों का नेता हुआ करता था वासिल मुहम्मद चीतू एंड करीम खां हुआ करता था इसी के शासनकाल में, ये बात घटना हुआ। और मराठा के पावर जितने भी हुआ करते थे, मराठाओं के पावर को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया लॉर्ड हेस्टिंग के समय पर, बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। और इसी के शासनकाल में प्रेस पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, उस प्रतिबंध को फिर से समाप्त कर दिया गया, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दिया गया, और प्रेस के स्वतंत्रता प्रदान कर दिया गया, माने जो प्रतिबंध लगाया था उसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 1822 में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी का अधिनियम लागू किया गया। हमारे भारत में टैक्स टेनेंसी एक्ट या टेनेंसी अधिनियम या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। और इसके बाद हमारे भारत में अगला गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड एम हस्टर्स, जो 1823 से 1828 तक बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर रहा, और इसी के समय में प्रथम आंगल बर्मा युद्ध हुआ, जो 1824 से 1826 तक चला ये युद्ध। और इस युद्ध में 1826 में बर्मा और अंग्रेज के बीच यान डबू का संधि हुआ, और इसी संधि के तहत आंगल बर्मा युद्ध खत्म हुआ। चलिए, इसी के समय में 1824 में बैरकपुर से सैनिक विद्रोह हुआ था, किसके समय में लॉर्ड एमेस्टर के समय में एक इंपोर्टेंट घटना घटा था, 1824 में बैरकपुर से सैनिक विद्रोह हुआ था, और ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल नहीं है। जैसा कि दो के बात करें, लॉर्ड हेस्टिंग नम्मा और ये दसमा, कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, इंपोर्टेंट लॉर्ड विलियम बेंटिंक है। तो चलिए, 11वां पढ़ते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और 1803 में आपने, जैसा कि अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया, तो उसको अधिकार को बढ़ा दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले गवर्नर को अधिकार बढ़ाकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया,
और उसके बाद फिर से बंगाल के गवर्नर जनरल को पावर को बढ़ा करके 1803 में जब दिल्ली पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पावर को और बढ़ा करके भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बंटिंक भारत का गवर्नर जनरल अब कहलाया जाने लगा। ये 1828 से 1835 तक रहा, और इसी के समय में बंगाल, इस तरह से पूछा जाए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो होगा लॉर्ड विलियम बंटिंक। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बंटिंक, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा, इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बंटिंक। और इसने 1829 में सती प्रथा, 1830 में ठगी प्रथा, और 1833 में नरबली प्रथा का अंत किया। ये तीनों प्रथा को उसने अंत किया, समाप्त किया। और इसी के शासनकाल में आगरा का प्रेसिडेंस सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ का स्थापित किया गया। आगरा में प्रेसिडेंट सर्वोच्च न्यायालय खंडपीठ का स्थापित किया गया, जो पहले कहां पर किया गया था, कलकत्ता में। कलकत्ता से लाकर कहां पर किया गया, आगरा में। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन मेरा यहीं पर समाप्त होता है। जब हम अगली क्लास में आपसे रूबरू होंगे पार्ट 21 में 21 में, तो हम मंडल आयुक्त के बारे में चर्चा करेंगे। आते ही मंडल आयुक्त के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सेशन को देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।